हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज एसी सर्किट का 14th लेक्चर है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ चोक कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटेंस ऑफ 30 माइक्रोफेरड एंड अ वोल्टेज ऑफ वी इक्वल्स टू 141.4 साइन 157 टी इज अप्लाइड टू दिस आरएलसी कॉम्बिनेशन, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला का यूज करेंगे जो हमने एसी सर्किट के 7th लेक्चर में बताए थे। देखो, ये था वो लेक्चर, ये वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसमें हमने सिंगल फेज एसी सर्किट में यूज होने वाले सभी फार्मूलेज बताए थे। ये फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सिंगल फेज एसी सर्किट का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो, आज का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा गिवन डाटा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है और गिवन डाटा लिखते समय सबसे पहले ये कौन सा सर्किट है वो आप पहले लिख लिया करो। देखो, ये क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है अप्लाइड टू दिस आरएलसी कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो हम लास्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख लेंगे कि ये आरएलसी सर्किट है। ठीक है, सबसे पहले सर्किट लिखना कंपलसरी है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ चोक कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। देखो, चोक कॉइल यानी आरएल सर्किट होता है और उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, आर कितना दिया है, 6 ओम दिया है, और यहां पे इंडक्टेंस एल का वैल्यू दिया है 0.2 हेनरी। एल क्वेश्चन में लिखा है इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटेंस ऑफ, देखो यहां पे कैपेसिटेंस सी का वैल्यू दिया है। ठीक है, क्या दिया है, वो है 30 माइक्रोफेरेड, तो हम ये लिख लेंगे 30 माइक्रोफेरेड है इसलिए इंटू 10^-6 फेरेड ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि माइक्रो है तो इंटू 10^-6 लिखना कंपलसरी है। क्वेश्चन में लिखेंगे एंड अ वोल्टेज ऑफ, देखो यहां पर वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, 141.4 साइन ऑफ 157 टी। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वहां पे वोल्टेज का वैल्यू दिया था, लेकिन यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स, तो यहां पे टाइम दिया है, टाइम टी कितना दिया है, 3 आवर्स। ओके, और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने पूरा गिवन डाटा लिख लिए और अब चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूलेज यहां पे यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सर्किट की अगर बात करें, देखो क्वेश्चन दिया है सिर्फ, कोई भी टाइप का डायग्राम यहां पे दिया हुआ नहीं है। अगर आपको डायग्राम कुछ ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा हो सकता है, देखो डायग्राम ड्रॉ करना एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, अगर आपने ड्रॉ किए तो भी चलता, नहीं किए तो भी चलता, लेकिन आपको समझने के लिए हम यहां पे एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। क्योंकि ये आरएलसी सर्किट है तो जाहिर सी बात है इसमें आर ये हमने ले लिए, एल ये ले लिए और सी। ठीक है, आर एल सी तीनों को हमने यहां ले लिए सीरीज में, ये आर, ये एल और सी, और ये तीनों अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वहां पे लिखा था अ चोक कॉइल, देखो क्वेश्चन में लिखा है चोक कॉइल, चोक कॉइल यानी आरएल सर्किट होता है यानी आरएल, तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चोक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कैपेसिटेंस। ये चोक कॉइल में आर और एल का वैल्यू दिया है और ये कैपेसिटेंस सी का भी वैल्यू दिया है और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी का यहां पे इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो इस तरह का यहां पे सर्किट हो सकता है और यहां पे एनर्जी कंज्यूम कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम दिया है 3 आवर्स का। ठीक है, सर्किट कुछ ऐसा होगा। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या फार्मूलेज अप्लाई करना है, चलो हम आपको पहले यहां पे फार्मूलेज बता देते हैं जो यहां पे यूज होना है, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन सा फार्मूला पहले अप्लाई करना, कौन सा बाद में अप्लाई करना, वो हम पहले बता देते हैं, उससे आपको सॉल्व करने में समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले तो देखो क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखो एनर्जी को ई, एनर्जी को अगर हम ई से अगर शो करेंगे तो एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला रहेगा पावर इनटू टाइम। देखो हमने यहां लिखा है
एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला पावर इंटू टाइम, उसमें से टाइम जो है वो यहां पे दिया है 3 आवर्स, लेकिन पावर यहां पे हमें पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा, पावर हमें नहीं पता। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला हम यूज करेंगे मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ आई इंटू कॉस फाई। हम ये फार्मूले का यूज करेंगे पावर फाइंड आउट करने के लिए। क्या यहां पे वी आई और फाई दिया हुआ है? तो देखो यहां पे करंट आई हमें नहीं पता, यहां पे करंट आई नहीं पता, हमें करंट आई अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। वोल्टेज वी वो तो हमें यहां पे पता है, लेकिन वोल्टेज वी का इक्वेशन दिया है। हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज वी के इक्वेशन से आरएमएस वैल्यू पहले वोल्टेज का फाइंड आउट करेंगे, फिर वो हम यहां पे यूज करेंगे। और करंट अगर फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे वी बाय जेड। देखो करंट आई हम फाइंड आउट करेंगे यहां से वी बाय जेड से, यहां से एक बार हमें करंट यहां पे अगर मिल गया तो वो करंट और वोल्टेज का यूज करके और फाई का यूज करके हमें पावर मिल जाएगा। पावर अगर मिल गया तो फिर वो हम यहां पे पुट करके एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको जेड यहां पे पुट करना पड़ेगा, जेड यानी इंपीडेंस। तो जेड का वैल्यू यहां पे दिया है क्या, देखो जेड हमें नहीं पता तो जेड हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जेड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, तो ये आरएलसी सीरीज सर्किट है तो ऐसे में जेड फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। देखो ये फार्मूले से हमें जेड निकालना पड़ेगा। जेड फाइंड आउट करने का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, जेड इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आप ये फार्मूले का भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूले से जेड निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले फार्मूले का अगर आप यूज करेंगे तो यहां से आपको जेड का मैग्नेट्यूड भी मिलता है और फेज एंगल फाई का वैल्यू भी मिलता है। लेकिन अगर आप अंडर रूट वाला फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आपको सिर्फ जेड का वैल्यू मिलता है, फेज एंगल फाई नहीं मिलता है। फिर आपको फेज एंगल फाई के लिए अलग से दूसरा फार्मूला यूज करना पड़ता है। उससे अच्छा हम एक काम करेंगे, हम ये अंडर रूट वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये जेड का जो आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी है ये फार्मूला हम यूज करेंगे ताकि हमें फेज एंगल फाई मिल जाए, ठीक है, समझ में आया। तो ये जेड फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सएल और एक्ससी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πfL और एक्ससी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है 1/2πfC। ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली सीक्वेंस क्या रहेगा, हमने आपको यहां पे यूज होने वाले सभी फार्मूलेज बता दिए। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एक्सेल, ये पहला स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेल। दूसरा स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्ससी। तीसरा स्टेप रहेगा टू फाइंड द जेड, ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। पांचवा स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर। और लास्ट में जो सिक्स्थ स्टेप है वो रहेगा टू फाइंड द एनर्जी, और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमने आपको स्टेप्स तो पूरी तरह से बता दिए, लेकिन यहां पे अगर आपको एक्सेल और एक्ससी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको यहां पे एफ यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जबकि यहां पे देखो कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये स्टेप्स तो रहेंगी, ये कंफर्म है, लेकिन सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके भी पहले यहां पे एक चेक करो, यहां पे क्या दिया है, देखो यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, जबकि यहां पे जहां जहां पे वोल्टेज का वैल्यू पुट करना है, देखो यहां पे वोल्टेज का वैल्यू पुट करना है, यहां पे वी का वैल्यू पुट करना है, तो ये जो वोल्टेज है वो आरएमएस वैल्यू है। यहां पे जो हमें पुट करना पड़ता है वो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पुट करना पड़ता है, जबकि ये आरएमएस वैल्यू नहीं है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां तक आप समझ गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वोल्टेज का इक्वेशन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ पहले कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें वीएम का वैल्यू मिल जाएगा, फिर वो वीएम से वी आरएमएस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें वी आरएमएस मिल गया तो फिर वही वी आरएमएस हम यहां पे यूज करने वाले हैं, समझ गए। और जो वोल्टेज का इक्वेशन जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे वहां से हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी मिल सकता है। चलो कैसे होता है, यहां पर ये वन बाय वन समझ लो। ये जो स्टेप्स हमने जो लिख के दिए हैं ये तो रहेंगी, ये कंफर्म है, लेकिन सबसे पहले हमें वी आरएमएस और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले ये गिवन वोल्टेज के इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे, गिवन दैट क्या इक्वेशन दिया है, गिवन में ये इक्वेशन दिया है, ये हम लिख लेंगे वी इक्वल टू
141.4 साइन ऑफ 157t। देखो ये गिवन में इक्वेशन दिया है, इसको कंपेयर करो, हम यहां पे लिख लेंगे कंपेयर इट विथ। इसको कंपेयर करना है किसके साथ कंपेयर करना है, सो वी इक्वल्स टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ये गिवन इक्वेशन है और ये वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, कंपेयर करने पर हमें क्या पता चलता है, तो वीएम के जगह यहां पे 141.4 है, इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं वीएम इज द 141.4 वोल्ट, और ओमेगा की जगह यहां पे क्या है 157 है, तो ओमेगा की जगह हम यहां लिख लेंगे 157, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हमने यहां से वीएम और यहां से हमने ओमेगा फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब ये वीएम से वी आरएमएस फाइंड आउट करो, क्योंकि ये वीएम यहां पे हमें पुट नहीं करना है, यहां पे जो वी है वो वी आरएमएस है, वीएम कहीं पे भी यूज नहीं होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला जो है इसमें वीएम यूज नहीं होता है, वी आरएमएस यूज होता है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू यूज होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये वीएम से वी आरएमएस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो वी आरएमएस हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे, तो फार्मूला क्या है, देखो वी आरएमएस फाइंड आउट करने का फार्मूला है, दैट इज वीएम बाय रूट टू, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये फार्मूलेज हमने इसके पहले वो वीडियो में लिख के दिए थे जो हमने बताए थे, तो इसमें चलो वैल्यूज पुट अप करेंगे 141.4 बाय रूट टू, ठीक है। तो इससे हमें वी आर एम एस मिल जाएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे, देयर फोर वी आर एम एस इक्वल्स टू ये आएगा 99.984 वोल्ट, ठीक है। ये हमने वी आर एम एस यहां पे लिख लिया है, इसको 100 मत लिख लेना, ये जो आया है आपको वही लिखना चाहिए ताकि फाइनल आंसर आपका करेक्ट आए। तो ये हमने वी आर एम एस फाइंड आउट किए हैं, अब हम यही वी आर एम एस हर जगह जहां जहां पे वी है वहां पे हम यूज करने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, देखो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बजाय आप डायरेक्टली ओमेगा का वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो एक्सएल का क्या फार्मूला लिखा है, 2πfL, तो 2πf माने ओमेगा होता है, ये जो 2πf है, ये जो 2πf है, 2πf यानी ही ओमेगा होता है, तो एक्सएल का यहां पे फार्मूला बन गया ओमेगा इंटू एल। यहां पे भी एक्सी के जगह 1/2πf के जगह आप यहां पे ओमेगा ऐसा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Xc इक्वल्स टू 1/ωc, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहां पे डायरेक्टली ओमेगा लिखो या तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो चलो यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दे देते हैं। ओमेगा का फार्मूला है, दैट इज जैसा हमने कहा ओमेगा का फार्मूला 2πf, ठीक है। यहां से आप f निकाल सकते हैं, तो हम यहां पे f निकाल लेंगे, वो हो जाएगा ओमेगा बाय 2π, और ओमेगा है 157 बाय 2π, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 24.987, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें फ्रीक्वेंसी यहां पे मिल चुकी है, इसका हम यूनिट लिख लेंगे हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है 24.987 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी का हम यहां पे यूज करेंगे और एक्सएल और एक्ससी फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले एक्सएल फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सएल फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला लिखा के दिए हैं, हम यहां पे लिख लेंगे 2πfL, ठीक है। हम यहां पे एक ही लाइन में सब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जगह कम है, लेकिन एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो एक के नीचे एक ऐसा स्टेप वाइज सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां पे 2πfL हम यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, 2π × f यानी 24.987 और l यानी 0.2, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर हम यहीं पे आगे कंटिन्यू में लिख लेंगे। तो इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पे हम लिख लेंगे 2π × 24.987 × 0.2, तो ये आंसर आ चुका है 31.399, यानी इनडायरेक्टली 31.4 इसका यूनिट रहेगा ओहम। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें एक्सएल मिल गया, इट मींस ये हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू मिल चुका है एक्सएल, और अब हमें एक्ससी फाइंड आउट करना है। देखो एक्सएल मिल गया, यानी स्टेप नंबर 1 ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। और अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें एक्ससी फाइंड आउट करना है, फार्मूला है 1/2πfC। तो चलो यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, फार्मूला पहले लिख लेंगे एक्ससी का 1/2πfC, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज पुट अप करेंगे तो देखते हैं ये क्या होगा, तो 1/2π × f यानी जो हमने फाइंड आउट किए थे 24.987 इंटू सी, सी यानी कैपेसिटेंस, और ये माइक्रोफेरेड में था, 30 × 10⁻⁶, तो हम यहां लिख लेंगे 30 × 10⁻⁶, काफी ये बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तो आपको करना ही है। तो चलो यहां पे न्यूमरेटर में 1 है, जस्ट अ मिनट, ये न्यूमरेटर में हम पहले लिख लेंगे 1,
ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये लिख लिए हैं, इसको बस हमें कैलकुलेटर में पुट करना है। तो 1/2π (24.987)×30×10⁻¹⁶, तो ये आ चुका है 212.316, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे चलो एक्सी का वैल्यू क्या आया है, एक्सी का वैल्यू हमें मिल चुका है, चलो यहां पे जगह है आ जाएगा यहां पे 212.316 ओहम। तो ये हमें एक्सी दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। ये तीन वैल्यू हमने यहां पे, थोड़ा सा कंजस्टेड जगह है इसलिए हमने यहां पे लिखा है, एग्जाम में आपको बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। तो फाइनली हमने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप ये पूरा कर लिए, ठीक है, एक्सेल और एक्सी मिल गया। और अब ये एक्सेल और एक्सी का यूज करके अब आपको ये इंपेडेंस जेड का इक्वेशन तैयार करना है। तो चलो जेड का इक्वेशन बनाते हैं, थोड़ा सा ये मिटा देंगे। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। जेड का क्या हमने इक्वेशन लिखा है, जेड का इक्वेशन लिखा है आरएलसी के लिए R+j XL-XC, ठीक है। ये हमने यहां पे फार्मूला लिखे हैं, वो हमने वहां लिखे हैं। और अब चलो यहां पे सभी का वैल्यू पुट अप कर लेंगे। तो जेड इक्वल्स टू आर, आर का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है 6 ओहम, तो ये लिख लेंगे 6 ओहम प्लस जे XL-XC। XL का वैल्यू ये है 31.4 हम लिख लेंगे, माइनस XC का वैल्यू है वो हम यहां लिख लेंगे 212.316, ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों को यहां पे सब्सट्रैक्ट कर लो, देखते हैं जेड का इक्वेशन क्या बनता है। फाइनली हमें ये पूरा मिटा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें ये यहां पे कंटिन्यू करना है, सॉल्व करना है। आप याद रखो कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, जेड के बाद करंट फाइंड आउट करना है, करंट के बाद पावर और पावर के बाद एनर्जी। तो चलो ये हम मिटा देंगे। तो ये हम यहां पे जेड का इक्वेशन पूरा कर लेंगे, जेड का इक्वेशन हो जाएगा 6-j ऑफ, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद माइनस में आंसर आएगा 180.916, ये हम यहां लिख लेंगे कितना 180.916 ओहम। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें जेड का वैल्यू यहां पे, इट मींस हमें जेड का इक्वेशन यहां पे मिल चुका है, इंपेडेंस जेड हमें मिल गया। और अब ये जेड का यूज करके आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमने जेड फाइंड आउट किए हैं ये इन द फॉर्म ऑफ जे है, देखो यहां पे जे के, यहां पे जे आपको दिखाई दे रहा है, इट मींस ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप चाहे तो इसको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड का यूज करके आप इसको एंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए तो भी चलेगा, आप इसको यहीं पे एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट हम बस एंगल के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने जेड फाइंड आउट कर लिए हैं और अब ये जेड का यूज करके हम करंट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो करंट का फॉर्मूला हम यहां पर लिख लेंगे। करंट का फॉर्मूला हमने क्या बताए थे, करंट I=V/Z, ठीक है। बस आपको यहां पे वैल्यूज पुट अप करना है, V यानी VRMS, यहां पे जो V है वो RMS वैल्यू हमें यूज करना है, जो कि हमने निकाले थे 99.984, तो ये हम लिख लेंगे 99.984 VRMS। और Z हम यहां लिख लेंगे 6-j (180.916), ठीक है। और अब इसको हमें कैलकुलेटर में पुट करना है और सॉल्व करना है। कैलकुलेटर जो है वो अब आपको कॉम्प्लेक्स मोड में लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोड में ले लेंगे और न्यूमरेटर में लिखा है, हम ये लिखेंगे 99.984/6-180.916 आए। तो ये कैलकुलेटर में आंसर आ चुका है, आपको एंगल के फॉर्म में इसको आंसर निकालना है। तो ये आएगा दैट इज 0.552, ठीक है, हम ये लिख लेंगे क्या आया है 0.552 एट एन एंगल ऑफ 88.1, ठीक है, एम्पियर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करना, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताए थे कि जे के फॉर्म को एंगल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना, या एंगल के फॉर्म को जे के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना, कैसे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना, उसके ऊपर ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप वो देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के आप ये इस टाइप का कैलकुलेशन कर नहीं सकते, आपको वो कैलकुलेटर में सॉल्व करते आना चाहिए। तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर लिए, करंट जो है ये हमने एंगल के फॉर्म में यहां पे निकाले हैं। और अब ये करंट का यूज करके हमें पावर फाइंड आउट करना है। चलो पावर फाइंड आउट करेंगे। पावर का फार्मूला, पावर पी हमने फार्मूला लिख के दिए थे, क्या बताए थे, मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ फाई, ये हमने फार्मूला बताए थे। चलो ये फार्मूलेज में वैल्यूज पुटअप करो। मॉड ऑफ वी यानी वी दैट इज जो आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो हमें लिखना है, तो ये हम यहां लिख लेंगे
99.984, ठीक है, I इज द करंट, लेकिन करंट वहां पे क्या लिखा है, मॉड में लिखा है, इट मीन्स हमें सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड ले लेना है, एंगल नहीं। क्या मैग्नीट्यूड है, 0.552, तो हम यहां लिख लेंगे 0.552। और कॉस ऑफ फाई, फाई यानी क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो वहां पे यूज करना होता है, तो ये हम यहां लिख लेंगे कॉस ऑफ क्या है फाई। यहां देखो करंट का यहां पे एंगल है 88.1 और वोल्टेज का एंगल 0 है, तो ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो गया 88.1, तो यहां पे वो लिख लो 88.1, ठीक है। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं कि ये क्या आंसर आता है। तो ये हम लिख लेंगे 99.984 इंटू 0.552 इंटू कॉस ऑफ 88.1। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखो। तो ये आंसर आ चुका है 1.829, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1.829 और इसका यूनिट रहेगा वैट। तो ये हमें पावर मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ पावर फाइंड आउट किए हैं। क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये देखो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स, तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें पावर की जरूरत थी, जो हमने स्टेप्स लिख के दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये हमने पावर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम यही पावर का यूज करेंगे और एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी का फार्मूला हमने लिख के दिए थे, दैट इज पावर इनटू टाइम, बस इसको टाइम टी से मल्टीप्लाई कर लो। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे सॉल्व करेंगे, इतने जगह में ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला हम यहां लिख लेंगे, दैट इज पावर इनटू टाइम। तो यहां पे पावर कितना निकला है, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1.829 इनटू टाइम क्या है, 3 आवर्स, तो हम यहां लिख लेंगे 3 आवर्स। इसका मतलब 1.829 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1.829 इनटू 3 करो, तो ये आंसर आ चुका है 5.487। हम यहां लिख लेंगे 5.487 और इसका यूनिट रहेगा वैट आवर, क्योंकि वैट और आवर को मल्टीप्लाई किया है इसलिए वैट आवर। तो ये हमने एनर्जी फाइंड आउट कर लिया है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। देखो एनर्जी हमें मिल गया, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 3 आवर 5.487 वैट आवर, प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था एसी सर्किट का आज का लेक्चर नंबर 14। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।